हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमने पिछले लेक्चर में 7.2 के एग्जांपल्स कर रहा था। अब 7 में एग्जांपल नंबर 7 में आपके पास दिया हुआ है कि y इक्वल टू में दिया है अपने पास tan इनवर्स अंडर रूट में a माइनस एक्स और क्या दिया है a प्लस एक्स। अब इस पर चर्चा करते हैं। थोड़ा सा इस पर ध्यान देना कि अंडर रूट में जो लिखा हुआ है a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, यहाँ पर क्या करेंगे, x को cos 2 थीटा मानते हैं। x को क्या मानते हैं, cos 2 थीटा। अब यदि 1 माइनस एक्स है तो cos 2 थीटा मानूंगा, a माइनस एक्स है तो x को क्या मानूंगा, a cos 2 थीटा। ये इंटीग्रेशन में जाके मिलेगा, आपको काम यही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मैं बार बार बोलता हूँ, जो मान रहा हूँ, ये सारे जाकर आपको क्या मिलेंगे, इंटीग्रेशन में मिलेंगे। तो वहां पर आप परेशान मत होना कि नहीं, एक बार पहली बार बता दिया गया है, बाद में जब मिले तो आप अपने मन से काम कर लेना। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, a cos 2 थीटा हमने मान लिया, तो यहाँ से थोड़ा थीटा की वैल्यू रख लेते हैं, तो x इधर चला जाएगा, तो cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा x अपॉन a, 2 थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स a, तो थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x अपॉन a। इसको उठा कर रख लेते हैं, काम करेंगे बाद में। अब वहां पे आते हैं जो दे रखा है, y tan इनवर्स अंडर रूट ए माइनस एक्स की जगह हमने क्या रखना है, माना यहाँ पे बोल देना, माना एक्स बराबर कॉस ए कॉस टू थीटा। तब यहाँ से एक्स की जगह क्या रखने वाला हूँ, ए कॉस टू थीटा। ये याद रखना कि वन माइनस एक्स होता क्या होता, वन माइनस एक्स होता और वन प्लस एक्स होता तो मैं एक्स को क्या मानता, कॉस टू थीटा मानता। देखिए ए माइनस एक्स है तो क्या मानूंगा, ए कॉस टू थीटा। नीचे हो जाएगा अपने पास ए प्लस ए कॉस टू थीटा। तो देखो तो ए से ए कैंसिल हो गया है, तो उसको कैंसिल कर देते हैं, टेन इनवर्स ऊपर बच गया वन माइनस कॉस टू थीटा, नीचे बच गया वन प्लस कॉस टू थीटा, ये हो गया अपने पास। अब आपको पता है वन माइनस में हो कॉस टू थीटा तो गायब करते हैं तो साइन आता है, प्लस में होता है तो कॉस आता है, उनको बुला लेते हैं जो आते हैं, तो इनको बुलाओगे तो ये बनेगा आपका वन माइनस कॉस टू थीटा है, इसको बुलाओगे तो क्या आएगा अपना, साइन आएगा। तो साइन कैसे आता है, ऐसे आता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, अब प्लस का होता है क्या देता है आपको, कॉस देता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, ये दे दिया आपको। यहां से आपको क्या हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, देखो तो साइन अपॉन कॉस बना हुआ, तो साइन अपॉन कॉस क्या आपकी कुंडली में होता है, मेरे कुंडली में तो इसका शायद ये होता है टेन स्क्वायर थीटा बाय टू होगा, तो स्क्वायर अंडर रूट गायब होकर बाहर दे दिया, ये टेन इनवर्स टेन थीटा बाय टू कॉस ला दिया अपने मन से, तो सिंपल होता। अगर कॉस थीटा होता तब थीटा बाय टू आता, कॉस थीटा होता तो क्या होता, थीटा बाय टू आता। और तो यहां से अपन क्या मान सकते थे, कॉस थीटा भी मान सकते थे, क्या मान सकते थे, कॉस थीटा भी मान सकते थे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो आएगा वही, ठीक है। तब टेन इनवर्स टेन थीटा बचेगा y इक्वल टू में, तो y बराबर में क्या आ गया, केवल थीटा आ गया, और हमें थीटा की वैल्यू उधर से रख सकते हैं, इसीलिए पहले निकाल दिया था 1/2 cos इनवर्स x अपॉन a। अब यहां से अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा, तो dy अपॉन dx 1/2 dx cos इनवर्स x बटे a, ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स क्या होता है, माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है यहाँ पर, एक्स बटे ए का स्क्वायर, ठीक है। अभी भी अपने पास यहाँ पर x नहीं था, क्या था, एक्स अपॉन ए था, तो इसका भी डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। अब नीचे देखो तो एलसीएम क्या बनेगा, ए स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा एलसीएम, ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर जाकर ऊपर चला जाएगा, ये तो माइनस आ गया, माइनस 1/2, तो देखो यहाँ से ए स्क्वायर बनेगा, नीचे ए स्क्वायर अंडर रूट से हट के बाहर चला गया, तो ए बटे में आपका ये बन गया यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा एलसीएम लेके देख लेना जिसको दिक्कत होगी, तो नीचे ए स्क्वायर आएगा, अंडर रूट में है तो ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, ऊपर चला गया, इसका डिफरेंशिएशन आपने किया, एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, ए नीचे क्या हो जाएगा, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद आपके पास फाइनल आंसर आने वाला है 2/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा आपका।
क्वेश्चन सही है, एग्जाम में भी दिख सकता है। इसमें सवाल बहुत है, आप ये टेंशन मत लेना कौन आएगा कौन नहीं आएगा, आपको केवल तरीका सीखना है, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद बात करूं मैं आगे नेक्स्ट, ये भी बता दे रहा हूँ क्योंकि ये शायद मिला नहीं होगा आपको, मैं तो बताता नहीं। ये भी मिलेगा तो इस फॉर्म में जब भी मिलता है तो यहाँ पर क्या मानते हैं, टेन मानते हैं। तो थोड़ा सा जिनको मानने वाला है उसको मैं बता दे रहा हूँ, आप ये दिमाग में बैठा लेना कि जब भी इस टाइप से मिले तो आप तुरंत उसको क्या मानोगे, टेन मानोगे। अब पहले लिखता हूँ तो फिर बताता हूँ आपको। वाई बराबर मान लो, वाई बराबर हमने मान लिया जो दे रखा है उसको लिख रहा हूँ, टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा ये ऊपर नहीं है ऊपर ही है, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, इसकी बात कर रहा हूं। जब भी आपको वन प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए, जब भी क्या दिख जाए, वन प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो आप बंद करके आप मानोगे, माना एक्स बराबर टेन थीटा, क्या मानोगे एक्स बराबर टेन थीटा। तो यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, बाद में काम करेगा आप जानते ही हो। हम रखते हैं यहाँ पे y tan inverse 1 plus tan square theta minus 1, नीचे क्या आ जाएगा tan theta आ जाएगा। आ गया, ये शायद क्वेश्चन मिला था क्या कहीं पे, याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने कार्यक्रम किया हुआ है। ये हो जाएगा tan inverse 1 plus tan square theta sec square theta, sec square अंडर रूट में है तो बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, sec theta minus 1, नीचे आ गया टेन थीटा, साइन मिला हुआ है। टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, अब ये जो सेक और टेन है इनको कॉस और साइन में चेंज कर लो, क्योंकि ज्यादातर फॉर्मूले हमें कॉस और साइन के आसानी से याद होते हैं, तो उसी फॉर्म में लिख लो क्या प्रॉब्लम है। ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये यहां से आ गया अपने पास टेन इनवर्स, एलसीएम बनेगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा नीचे है, कॉस थीटा बीच में भी है, गायब हो जाएगा। ऊपर क्या बच गया, वन माइनस कॉस थीटा, ऊपर बच गया वन माइनस कॉस थीटा, नीचे बच गया अपने पास साइन थीटा, इतना कम हो गया। अब थोड़ा सा और खेल खेल लेते हैं त्रिकोणमिति के, त्रिकोणमिति के खेल खेलोगे तो वन माइनस कॉस थीटा है, वन को गायब करना है तो क्या आएगा, साइन आएगा, तो टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, साइन थीटा को भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा, इसका भी खेल खेलोगे तो ये बनेगा टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू, टू से टू गायब हो गया, साइन स्क्वायर है नीचे साइन वो गायब होकर आपको मात्र ये दे दिया टेन इनवर्स टेन, टू से टू गायब, साइन से साइन गायब, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया टेन थीटा बाय टू, टेन इनवर्स से टेन गायब थीटा बाय टू, थीटा की वैल्यू अपन पास दे रखे हैं क्या है टेन इनवर्स एक्स आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन तो टाइम पास है, देखो अपन डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो क्या पढ़ रहा हूँ, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले। मैंने आपको इलेवंथ में पढ़ा था बेटा, याद कर लेना याद कर लेना याद कर लेना, पूछते तो बहुत है सर गर्मी की छुट्टी में क्या पढ़ाते, छुट्टियां इस बार बहुत बड़ी मिल गई थी, आराम से सोते रह गए। मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद होना चाहिए, नहीं तो ये परेशान करते रहेंगे आपको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में परेशान किए आपको, फिर पूछते मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट इसमें राहत मिली, फिर आपको आप आ गए लिमिट में, सॉरी कॉन्टिन्यूटी में आ गए, उसमें प्रॉब्लम। अभी लास्ट जब तक इंटीग्रेशन जाके आपका खत्म नहीं होगा, लास्ट ट्वेल्थ चैप्टर तक सोचो आप, ट्वेल्थ चैप्टर तक आप त्रिकोणमिति के फॉर्मूले मिलते रहेंगे, आप परेशान होते रहोगे, लेकिन यदि याद कर लोगे तो लगेगा कि कुछ भी नहीं है। मैंने इलेवन में जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो बोल देता हूँ कि आप त्रिकोणमिति के फॉर्मूले जितने हैं सब उनको आप अपने दिमाग में रखो, नहीं रखोगे तो फिर वही है, देखो और क्वेश्चन के मजे लो, क्या क्वेश्चन है ये है ऐसा करते हैं। इसके चार सभी पार्ट्स मुझे बताने पड़ेंगे क्योंकि ये सभी फिर जाके आपको इंटीग्रेशन में मिलने वाले हैं। हमने y इक्वल टू में मान लिया tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x की घात 3, फिर बन गया a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, कुछ भी नहीं करना है समझो कि बस केवल केवल जब इस टाइप के दिख जाए कि कुछ टेन में 3a में होता है टेन 3 थीटा बनता है, याद नहीं हो या हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो बनेगा ही, क्योंकि आप यहाँ पर मानोगे माना एक्स बराबर, लेकिन यहाँ पर एक टेन थीटा मानना पड़ेगा क्योंकि हमें टेन दिख रहे हैं सब, तो टेन थीटा हमने मान लिया,
मानने के बाद आपके पास टेन इनवर्स तीन ए स्क्वायर एक्स जगह क्या रखोगे ए टेन थीटा माइनस इसके जगह पर रखोगे ए टेन थीटा की पावर तीन, नीचे आ जाएगा ए ए स्क्वायर माइनस थ्री ए टेन थीटा का स्क्वायर ऐसे आ गया। अब ध्यान से देखो तो आप ए की पावर तीन ऊपर भी कॉमन है, ए की पावर तीन नीचे भी कॉमन है, वो बन जाएगा आपको आप बदकर ये तो कैंसिल होने ही वाला है। देखो ध्यान से ए की घात तीन यहां पर भी ए की घात तीन यहां पर ए स्क्वायर बाहर लोगे तो ए की घात तीन बन जाएगा, वो कैंसिल कर दो आप बंद करके कैंसिल कर दो तो ये बनेगा थ्री टेन थीटा माइनस टेन की पावर तीन थीटा बटे में एक कुल सब कैंसिल होकर आपके पास यहाँ पे वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा आ गया। अब इसका फॉर्मूला आपको पता हो या ना हो ये क्या बनेगा टेन थीटा बनने ही वाला है, याद नहीं है क्या लिखा है हमें क्या मालूम, ये तो बनेगा ही, गायब हो गया क्या बच गया थ्री थीटा। इसके बाद क्या है मजाक है, मजाक मतलब क्या हो गया टेन इनवर्स एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है हमें नहीं मालूम है, आप तो बता ले जाओगे केवल फॉर्मूला अवकलन के नाम तो क्या पढ़ रहे हो केवल फॉर्मूले पढ़ रहे हो कि डिफरेंशिएशन जो भी कर रहे हो आपको लग रहा होगा लास्ट में हमने तो फॉर्मूला ही तो है इसमें तो कुछ बता ही नहीं गया। यहां तक आप क्या पढ़े थे त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, क्या पढ़े थे त्रिकोणमिति, यहां पर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़े हो, क्वेश्चन तो आप कर ही नहीं रहे हो, अब थोड़ा बहुत इसमें अलग सा होगा। तो यहां पर आप दिमाग में बैठा लेना कि आप एक तरह से सोचो तो आप त्रिकोणमिति ही पढ़ रहे हो स्टार्टिंग में, इलेवंथ में मैं जब चैप्टर पढ़ाता हूँ तभी बोल देता हूँ बेटा ये अवकलन में मिलेगा समाकलन में मिलेगा, तो आपको वहां पर परेशानी होगी तो उसको दूर करने के लिए आप याद कर लो वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स ये बन जाएगा वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स। यहाँ पे एक काम करना है शायद ये मिला था तब मैंने परिमेयकरण किया था, परिमेयकरण अभी भी कर दे रहा हूँ, नीचे वाले कर देते हैं नीचे छोटा रहेगा तो सही रहेगा टेन इनवर्स वन प्लस एक्स यहाँ पे लिख देना हर का परिमेयकरण करने पर, किसका परिमेयकरण हो रहा है हर का हो रहा है तो इसके विपरीत चिन्ह से होगा तो इसका होल स्क्वायर बनेगा, चलो लिख दे रहा हूँ ये बनेगा फिर वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स ये तो बनेगा जिसका करते हैं वहां पे तो ये बनता है ए माइनस बी और ए प्लस बी बनता है, जब भी जिसका भी करेंगे उसके साथ में क्या होगा एक प्लस का बनेगा एक माइनस का बनेगा बन गया। तो ऊपर तो होल स्क्वायर बन गया, खोलते हैं इसको तो जब ओपन करेंगे तो टेन इनवर्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो अंडर रूट लगाते ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया वन प्लस एक्स हो गया वन माइनस एक्स हो गया और प्लस टू ए बी तो प्लस टू ए और हो जाएगा बी हो जाएगा ठीक है। नीचे देखो तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए क्या है वन प्लस एक्स ये क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स, थोड़ा सा काम कर लिया जाए टेन इनवर्स यहां से प्लस एक्स माइनस एक्स गायब हो गया क्या बच गया ऊपर टू प्लस टू इसको एक साथ लिखोगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बनेगा तो ये क्या बन जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या गायब होगा आप देखो तो यहाँ से प्लस वन माइनस वन गायब होगा प्लस प्लस टू एक्स टू से टू गायब हो गया टू से टू गायब हो गया टेन इनवर्स वन प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स ये आ गया। अभी देखो अंडर रूट में कहीं वन प्लस एक्स स्क्वायर होता क्या होता वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता तो पीछे वाला क्वेश्चन अपना बन जाता वहां पे एक्स को क्या मानता टेन थीटा मानता, अब माइनस में स्क्वायर है वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप वहां पर हमें पता है कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा कॉस थीटा बन जाएगा तो यहां पर हम क्या करेंगे एक्स को क्या मान लूंगा साइन थीटा एक्स को क्या मानूंगा साइन थीटा तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास कॉस इनवर्स एक्स सॉरी क्या आ जाएगा साइन इनवर्स क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब बात करते हैं वहां पर थोड़ा रखते हैं रखने पर यहां पर मैं रखूंगा तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स वन प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा नीचे आ गया साइन थीटा क्या आ गया नीचे साइन थीटा आ गया तो यहां से अपने पास आने वाला ये टेन इनवर्स
प्लस वन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, वन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर अंडर रूट में क्या बन जाएगा, बाहर क्या आएगा कॉस थीटा आएगा, नीचे क्या हो गया साइन थीटा। खेल खेलते हैं त्रिकोणमिति का, तो त्रिकोणमिति का खेल स्टार्ट करोगे तो वन प्लस कॉस थीटा वन को गायब करना है तो क्या आएगा कॉस आएगा, माइनस होता तो साइन आता है, तो ये बन जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू होगा। यहाँ पर भी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगाओ, थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, यहाँ से ध्यान से देखिए तो क्या हो गया अपना टेन इनवर्स, टू से टू क्या हो गया कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस क्या हो गया गायब हो गया, अब कॉस बटे साइन है तो वहां पे साइन बटे कॉस आया था, यहाँ पे क्या आ गया कॉस बटे साइन, मतलब क्या होता है कॉट कॉट थीटा बाई टू। फिर यहां से अपने पास आ गया टेन इनवर्स, अब टेन इनवर्स होता यहाँ पे टेन होता तो अपन टेन इनवर्स से टेन गायब कर देते, यहाँ पर टेन नहीं है तो कॉट को टेन में बदल देते हैं, कॉट को टेन में बदलेंगे तो क्या लिख सकता हूँ टेन पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, कोई प्रॉब्लम कहीं दर्द तो नहीं हो गया, दर्द तो नहीं होना चाहिए, टेन नब्बे माइनस थीटा कॉट थीटा होता है तो टेन से टेन इनवर्स अब कैंसिल कर दो तो अपने पास आ गया वाई बराबर पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू। अब आपको क्या कर देना है एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन कर देना है, पाई बाय टू माइनस सॉरी एक स्टेप में खाने वाला था वाई पाई बाय टू माइनस थीटा की वैल्यू भी तो रखनी है अपने पास, थीटा की वैल्यू क्या है कहाँ गया थीटा में साइन साइन इनवर्स आया हुआ है, क्या आया हुआ है साइन इनवर्स। अब डिफ्रेंसिएशन कर दो डी वाई बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स पाई बाय टू माइनस वन अपॉन टू डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, पाई बाय टू तो हो गया जीरो और माइनस एक बटे दो साइन इनवर्स क्या होता है एक बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, बस ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अब आगे आते हैं थोड़ा और बात करा जाए, गर्मी है अब देखो इसका ये जो दिया हुआ है, अब मैं उसको बताने वाला नहीं हूं, जो नीचे दिया हुआ है दिया हुआ है देखना सेम टू सेम है, वहां पर अंतर क्या आया है देखो मैं यहाँ पे कहूँ तो मैं इसी में स्क्रीन शॉट तो ले लिया होगा, अब देखो इसमें मैं निपटा दे रहा हूँ, आपको सवाल में दे रखा है स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पे लगाया है, क्या लगाया है स्क्वायर स्क्वायर, देख लू नहीं तो पता चले ऊपर प्लस माइनस तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है सेम टू सेम ही है केवल स्क्वायर लगा, बस अंतर इतना ही आएगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पर भी है स्क्वायर 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 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर 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 स्क्वायर, जहां जाओ स्क्वायर थोड़ा रुक जाते हैं। अब ये क्या बनेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा वन माइनस एक्स की पावर फोर, क्या बन जाएगा वन माइनस एक्स की पावर फोर, यहां पर हो जाएगा स्क्वायर ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा स्क्वायर सॉरी फोर, यहां पर हो जाएगा स्क्वायर, समझ गए बात को। अब आप कुछ नहीं करोगे एक्स स्क्वायर को साइन थीटा मानोगे, क्या मानोगे एक्स स्क्वायर को साइन थीटा, तो यही बन जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, यही बनेगा यहां तक सारा खेल चलेगा, यहां तक ये आ गया स्क्वायर, थोड़ा सा यहां पर आप स्क्वायर हो जाएगा, देखो मैं आंसर ला भी दिया मजाक मजाक में, अब ये हो जाएगा माइनस वन पॉइंट टू ये सॉरी एक्स की पावर फोर हो जाएगा, थोड़ा सा देख लेना वन माइनस एक्स की पावर फोर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा टू एक्स, टू से टू क्या हो गया कैंसिल हो गया तो क्या आ गया माइनस एक्स वन माइनस एक्स की पावर फोर, ये आंसर आ जाएगा उसका, हो गया देखो मैंने ये भी कर दिया, ये नहीं कहोगे सर ये क्वेश्चन आपने छुड़वा दिया, जब आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, देखो इसमें क्या था कुछ भी नहीं था। अब बात करूंगा इसका एक फोर्थ पार्ट भी है शायद इसी में कि नहीं है, फोर्थ में क्या है देखो तो यही लिखा हुआ है सब कुछ, फोर्थ यही तो है हाँ टेन इनवर्स में दिया है, आप परिमेयकरण कर देना, परिमेयकरण करके यहाँ पर लास्ट पे पहुंच जाओगे, और अपने आप यही सब आंसर के साथ इसी टाइप से कुछ आ भी रहा होगा, आंसर कितना आ रहा है देखे तो इसका माइनस वन पॉइंट टू आ रहा है, तो इसमें आएगा माइनस वन पॉइंट टू, इसमें कहने वाली कौन बात है, एकदम सेम टू सेम सवाल बनेगा ठीक है, आप परेशान मत होना करोगे तो हो जाएगा। अब आते हैं 7.2 पे, 7.2 पे आते हैं सेम टू सेम है, परिमेयकरण कर देना नीचे का उठाकर, लगभग क्वेश्चन यही बनेगा लास्ट में आपका जाकर, अब वहां पर मेरे ख्याल से हाँ तो बनेगा तो यही क्या बनेगा
वन बाई टू बनेगा इसमें, वन बाई टू साइन एक्स बनेगा, नहीं साइन एक्स नहीं बनेगा, तो टेन से टेन गायब कर देगा केवल एक्स बचेगा, थीटा बच रहा था अपना, क्या बच रहा था टेन इनवर्स से टेन गायब होकर क्या दे रहा था, थीटा दे रहा था। अब यहाँ पर वो क्या देगा, एक्स देगा, थीटा का जवाब क्या देगा, एक्स देगा। अब एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक बटे दो आंसर आएगा, बस कुछ भी नहीं है, देख लेना आपसे। अब 7.2 पे बात करूंगा, 7.2 के क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के हैं तो कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये पार्ट दिया जो है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चनों में दे रखा है, मैंने बोला था ना वो वाले, इसमें दे रखा है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। फिर x दे रखा है आपका, इसमें दिया है माइनस एक वन बाय टू से, ऐसे दे रखा है माइनस वन बाय टू से वन बाय टू, ये दे रखा है, तो इसको सॉल्व करना है। अब बात करता हूं x को, यहाँ पे साइन थीटा मानूंगा, क्या मानूंगा x को, साइन थीटा। कहोगे सर कैसे पता चल जाता है, अनुभव से पता चलता है, किसे पता चला, अनुभव, फॉर्मूला याद हो तो ये रखेंगे तो ये हो जाएगा, रख के देखो तो ये बनेगा साइन इनवर्स टू साइन थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दे दिया साइन इनवर्स टू साइन थीटा और कॉस टू थीटा, सॉरी कॉस थीटा, साइन इनवर्स टू साइन है कॉस है साइन टू थीटा, ये हो गया। अब थोड़ा सा रुकते हैं कि साइन इनवर्स से साइन गायब होकर होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो बात करेंगे। एक्स कहाँ से कहाँ दिया हुआ है, माइनस एक बटे दो से, एक्स जो है माइनस एक बटे दो से एक बटे दो के बीच में है, लेकिन हमारे पास क्या है, एक्स यहाँ पर क्या माना है हमने, साइन थीटा माना हुआ है, तो एक बटे दो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा। अब क्या ले रहा हूँ, साइन इनवर्स ले रहा हूँ, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू होगा, साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू होगा, साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा देख लो, लेकिन बार बार इसको इतना स्टेप बढ़ाते नहीं है अपन, ये इतना लिखना पड़ता है, लिखने की जरूरत इसकी होती नहीं है, ऐसे आप लिख सकते हो चाहो तो, आपका मन, माइनस फेंक देगा बाहर साइन इनवर्स फेंक देता है, और साइन इनवर्स एक बटे दो कहाँ पे होता है, एक बटे दो शायद होता है पाई बाई सिक्स पे, थर्टी पे होता है वन बाई टू, पाई बाई, हाँ पाई बाई सिक्स पे ही होगा, तो माइनस ये क्या बन जाएगा, पाई बाई सिक्स, क्या बनेगा, पाई बाई सिक्स, और ये तो गायब हो जाएगा थीटा, फिर क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक बटे दो, ये पाई बाई सिक्स हो जाएगा, प्लस का पाई बाई सिक्स है, माइनस का पाई बाई सिक्स है। थोड़ा सा आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन भी आना चाहिए, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ और डिक्रीजिंग मतलब घटता हुआ, पढ़ेंगे वर्धमान और ह्रासमान शुद्ध रूप से, अपना जो मीनिंग इसका है अपने बुक में है, इसी में नहीं, जब इसका अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो वर्धमान और ह्रासमान पढ़ेंगे, तो वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग, ह्रासमान मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेना आप। तो थोड़ा सा साइन इनवर्स का जो ग्राफ होता है ना, अभी जो यहाँ पे साइन इनवर्स लगाया हूं मैं, तो थोड़ा सा इस पर बात करेंगे अभी, चलो बात कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं, जहां पर मिलेगा उसमें बात करूंगा, इस पर बात करने कोई फायदा भी नहीं है, वहां पर बात करूंगा। लेकिन अपने पास क्या है, टू थीटा है, तो टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा माइनस पाई बाई थ्री, बनेगा टू थीटा, ये क्या बन गया, पाई बाई थ्री बन गया। पाई बाई थ्री का मतलब क्या होता है, अच्छा साइन इनवर्स साइन टू थीटा, साइन का डोमेन क्या होता है, माइनस नब्बे से प्लस नब्बे, माइनस नाइन्टी डिग्री से प्लस नाइन्टी डिग्री, क्या ये क्या है, माइनस कितना बन गया साठ, ये प्लस का साठ, क्या माइनस नब्बे और नब्बे के बीच में है भाई, टू थीटा यहां से यहां होगा, टू थीटा यहीं से यहां से होगा, ये यहां से एक्स यहां से यहां से है, तो टू थीटा यहां से यहां होगा, तो मतलब कि क्योंकि आपका टू थीटा किसके किसके बीच है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है, इसलिए अब ये जो अपने पास था वाई बराबर, हालांकि बुक में भी नहीं दिखा रखा है लेकिन अपने को पता होना चाहिए, अब ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, वाई टू थीटा की वैल्यू अपन निकाल चुके होंगे, ये मिस्टेक कैसे हो गया, तो तुरंत नेक्स्ट स्टेप में अपन काम कर लेना चाहिए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट में आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर दोगे, टू डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स टू एक बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, काम खत्म। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना है, हालांकि ये यहाँ से
तुरंत ये जो था यहाँ से गायब करके अपन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको दिखाना आना चाहिए, ठीक है। ये है, अब बात करूंगा यदि इसको देख लेना, ये साइन थ्री थीटा है, एक्स को क्या मानोगे, साइन थीटा और थ्री थीटा दे देगा, और यहाँ से आप देख लेना माइनस वन बाई टू से वन बाई टू ही दे रखा है, ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, कुछ इसी टाइप का बन जाएगा। अब बात करूं यदि सेकेंड में, तो सेकेंड में बात करने पर थोड़ा सा जब x को cos थीटा मानोगे ना तब वहां पे प्रॉब्लम होगी, ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बताया हूं कॉन्सेप्ट, वो वहां पे प्रॉब्लम होगा, साइन पे नहीं होता है। जैसे आपको याद हो जो असमिका होते हैं, इनक्वालिटी जो होती है, वो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद चेंज हो जाती है, क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि इधर जाते हो तो अंक तो बढ़ते हैं लेकिन वो उतना छोटा होता जाता है, जैसे माइनस पांच माइनस चार से छोटा है, ठीक है। लेकिन इधर क्या होता है, चार पांच से बड़ा, सॉरी पांच चार से बड़ा होता है, लेकिन माइनस पांच माइनस चार से छोटा होता है, तो ये यही कॉन्सेप्ट वहां पर, इसीलिए तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाता है इनको वो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, असंख्या की साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही इसमें भी होता है, जब इंक्रीजिंग होता है तब तो चेंज नहीं होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो चेंज नहीं होता है, लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो असमिका क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अभी बात करूंगा उस पर, अगर मिलेगा तो आज नहीं मिलेगा तो कल मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा कॉस जहां पे माना जाएगा वहां पे मिलेगा आपको। थोड़ा सा साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के ग्राफ जिसको समझना होगा डिटेल में, जिनको नहीं समझना है दिखाए ना तभी बोर्ड में नंबर मिल जाते हैं, जिनको समझना होगा तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स के ग्राफ देख लेंगे, कॉपी में ग्राफ देख लेंगे कि, अच्छा ये देख लेना कि कौन कौन से ग्राफ बढ़ते हुए हैं और कौन सा ग्राफ घटता हुआ है, तो जो बढ़ता होगा इंक्रीजिंग, जो घटता होगा डिक्रीजिंग, थोड़ा सा आप देख के रखना, तो मैं जब समझाऊंगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। आपको ये पता करना है कौन बढ़ रहा है, बढ़ता मतलब ऊपर जा रहा है, और कौन नीचे आ रहा है, कौन नीचे से ऊपर जा रहा है, जो नीचे से ऊपर जाएगा इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ, और जो ऊपर से नीचे ग्राफ बना हुआ वो क्या होगा डिक्रीजिंग, इस सबका ग्राफ बना हुआ थोड़ा सा आप देख लेना। आपको यहाँ पर x की वैल्यू दे रखा है, ये कहां से कहां है, माइनस वन से वन है, माइनस वन से वन है, थोड़ा इस पर बात करूंगा। तो यहां पर अपने पास इसका फॉर्मूला शायद ये साइन माना जाएगा, क्योंकि टू साइन टू नहीं टेन माना जाएगा, टेन 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 एक्स को क्या मानूंगा, टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स हो गया। अब बात करते हैं यहां पर कॉस इनवर्स टू टेन थीटा, ये क्या बन जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और याद हो तो बता दो आप कॉस इनवर्स, ये साइन टू थीटा बन जाता है, क्या बनता है, साइन टू थीटा बनता है, फॉर्मूला याद हो तो ठीक है, नहीं तो बल्ले बल्ले अपनी बात से। अब ये देखेंगे साइन टू थीटा, लेकिन साइन टू थीटा है, यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो टू थीटा को बदल दो, तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना आप, कॉस इनवर्स साइन पाई बाई टू प्लस थीटा करो या पाई बाई टू माइनस थीटा करो, क्योंकि साइन फर्स्ट और सेकंड दोनों में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पाई बाई टू माइनस थीटा फर्स्ट में, पाई बाई टू प्लस थीटा सेकंड में, लेकिन बट साइन जो होता है, लेकिन ये तो कॉस है तो कॉस तो इसको साइन को चेंज करते हैं, ये कॉस में जाएगा, तो पाई बाई टू माइनस टू थीटा ही लिखना है, प्लस नहीं लिख सकते, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, क्योंकि कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस हो जाएगा, तो ये किया जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे कॉस होता है, यहाँ पे साइन लगाते, यहाँ पे कॉस होता है यहाँ पे साइन लगाते, तो पाई बाई टू प्लस पे भी देता और माइनस पे भी देता, तो यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ क्या, अब देखो पाई बाई टू माइनस टू थीटा, कॉस का क्या होता है, जीरो से पाई, याद हो डोमेन क्या लेते हैं कॉस का, जीरो से पाई के बीच में होगा ये, तब जाकर अपना इसको हटा सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूं इसमें भी, x क्या है, माइनस वन से वन के बीच में है, x को हमने क्या माना है, टेन थीटा, तो यहाँ पे लगा दिया हमने टेन थीटा, क्या लगा दिया, टेन थीटा लगा दिया। अब क्या लूंगा, टेन इनवर्स लूंगा, क्या लूंगा, टेन इनवर्स लूंगा। देखो ये सब टाइम पास है, लेकिन थोड़ा सा डीप नॉलेज रखने वालों के लिए थोड़ा सा बताना जरूरी हो जाता है कि पता होना चाहिए, आगे जब जाओगे जिंदगी में तो आपके साथ धोखा ना हो। मैथ तो पढ़े, मैथ नहीं पढ़ना होता उसके कॉन्सेप्ट जानते हुए नहीं जानते, माइनस बार फेंक देगा, टेन इनवर्स वन कहाँ पे होता है, पाई बाई फोर पे होता है, ये बन जाएगा माइनस पाई बाई फोर, टेन इनवर्स टेन गायब थीटा, और टेन इनवर्स वन का हो गया पाई बाई फोर, ये तो हो गया काम कर लिया। अब देखो तो ये माइनस टू थीटा है,
यहाँ पर थीटा है तो माइनस टू थीटा करूंगा, तो माइनस टू से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो माइनस से करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, लेकिन माइनस से करते हैं तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं, तो ये देखो चेंज तो हो गए एक जैसे, देखो अभी तो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, होगा तो ये माइनस वाला उठ के यहाँ पे चला जाएगा, प्लस वाला इधर आ जाएगा, लेकिन ये दोनों एक जैसे हैं, जुड़वा भाई हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इन दोनों ने अपना पोजीशन चेंज कर लिया, लेकिन रियल में इन्होंने चेंज कर दिया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, रियल में इन्होंने पोजीशन चेंज किया है, लेकिन दोनों जुड़वा थे, आपको समझ में आया कि चेंज किया कि नहीं किया। अब यहां से देखो तो क्या हो गया, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो गया, माइनस पाई बाई टू से टू थीटा पाई बाई टू हो गया, लेकिन अभी भी ये टू थीटा के साथ में क्या लगा हुआ है, माइनस टू थीटा, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन अभी माइनस टू थीटा के साथ क्या लगा हुआ है, पाई बाई टू लगा हुआ है, तो मतलब पाई बाई टू दोनों तरफ जोड़ोगे तो ये बन जाएगा पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस टू थीटा पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू हो गया, ये तो जीरो हो गया, ये क्या बन गया, ये तो हमें चाहिए था, हमें इससे मतलब नहीं है, ये पाई बाई टू क्या हो गया, पाई, देखो जीरो से पाई आ गया, चूंकि पाई बाई टू माइनस टू थीटा क्या है, जीरो से पाई के बीच में है, इसलिए y बराबर जो हमने लिखा था cos इनवर्स cos पाई बाई टू माइनस टू थीटा, तो ये कैंसल हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई टू माइनस टू थीटा, y पाई बाई टू माइनस टू थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू तो मजाक वाली है, tan इनवर्स है, जब इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, dy बटे dx का इसका तो जीरो हो जाएगा, माइनस टू इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर बटे में। अब बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे, ट्राई करेंगे, आप प्रयास करते रहेंगे। बाय बाय।